मुहर्रम के कारण नीतीश इस बार 26 के बजाय 24 नवंबर को ही सरकार के 2 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले हैं। नीतीश सरकार के मंत्रियों की माने तो सरकार के पास अपनी पीठ ठोकने के लिए कई मसाले मौजूद हैं। मसलन मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की दिशा में किए गए काम और सड़क निर्माण के क्षेत्र में सरकार की लाजवाब उपलब्धि। मेरे विभाग की प्राथमिकता होगी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को हम बड़े पैमाने पर इसका कार्यान्वयन पर राज्य में करें। हमारी सरकार ने तेजी के साथ सड़कों का निर्माण किया है और जो भी सड़कें बनी हैं उनका इसमें ब्यौरा रहेगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी जो काम रुका पड़ा था, जो कोर नेटवर्क का भी काम उलझा हुआ था, भारत सरकार से डेडलॉक को तोड़ा और ये काम आगे बढ़ा है, तो सारी उपलब्धि इसमें होगी। लेकिन विपक्ष ने नीतीश सरकार में हुई गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कहा है कि रिपोर्ट कार्ड में सरकार को अपनी विफलताओं को भी जाहिर करना चाहिए ताकि जनता को असलियत पता चल सके। एक तरह से ये अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए जो काम नहीं किए उसके सुंदर सुंदर शब्दों का जाल बिछाने से कोई बिहार के जनता को मतलब नहीं है। बिहार के जनता का मतलब है जो आपने किया है, जो आपके कारनामे हैं, वो कारनामों को भी आप रिपोर्ट कार्ड में लाएं। नीतीश कुमार के विकास के दावों की पोल सीएजी की रिपोर्ट ने खोल दी थी। इसके अलावा अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का विरोध नियोजित शिक्षकों और कोसी के बाढ़ पीड़ितों ने किया था, जिससे सरकार के कामकाज पर सवाल उठे थे। परमेश्वर मुखिया की हत्या और उसके बाद पटना में मुखिया समर्थकों के हंगामे और मधुबनी गोलीकांड ने सरकार के कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे को झुठलाया था। इसके अलावा हाल ही में छठ के मौके पर 21 लोगों ने अपनी जान गंवाकर नीतीश के आपदा प्रबंधन की कलई खोल दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच सरकार इन सारे सवालों से बच सकती है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, पटना।